अस्सलाम वालेकुम। यह सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज शहर का वाकया है। एक नेक खातून रमजान अल मुबारक के महीने में हर रोज इफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती है और इनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और मैं करूँ तुम भी वही कहना और वही करना। फिर वह दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। इस खातून का शौहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आई लेकिन यह घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज है? ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आए। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएंगे मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और खुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमजानुल मुबारक बीत गया। एक दिन इसके शौहर ने, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वह नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें हमारा घर जरूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। इससे अगला वाक्या वह खुद बयान करती है और कहती है, मैं शिवाल के 6 रोजे रख कर फारिग हुई थी कि एक रोज बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मेरे शौहर असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने इनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उन्हें जानते तक न थे। इस आदमी ने इन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ मगर घर का दूसरा निसफ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजलो करम से बहुत नवाजा है, हमें इस आधे घर की जरूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वह आधा घर हदियतन दे दूंगा। यूं आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि आप मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमा लें। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहिब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं वह मुझे दे दीजिए। खैर, हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वह कमोबेश 8000 रियाल बन गई। वह रकम हमने इस आदमी के हवाले कर दी। अब हम इस आधे मकान के मालिक बन गए। मकान रियाज शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाके था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है अल्लाह ताला भी इसकी पुकार जरूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था, मैंने अल्लाह ताला से जो घर मांगा था इसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर इसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिमुद्दीन से पूछा, अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। मैंने अल्लाह ताला से नहर किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिमुद्दीन को मेरी दुआ और मेरे ऐकाने कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिमुद्दीन मुस्कुराए और फरमाया, यह नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारक बयान की कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि आदमी का घर नहर किनारे हो और वो इसमें रोजाना 5 मर्तबा गुसल करे तो क्या इसके बदन पर मैल कुचैल रहेगी?
सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, इसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू रवा थे, बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अजीम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।